नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ रेड गियर कॉस्मो 7.1 गेमिंग हेडफोन को। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये रेड गियर की तरफ से आने वाला गेमिंग हेडफोन अवेलेबल है। और ये हेडफोन मेरे दोस्त ने हाल ही में परचेस किया है। वो भी एक यूट्यूबर है और गेमिंग की वीडियोस डालता रहता है अपने चैनल पे। तो आप भी उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम इसका लिड खोलते हैं, हमको ये हेडफोन रैप में लिपटा हुआ मिल जाता है। इसको फ़िलहाल हम जल्दी से साइड रखते हैं और जल्दी से देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। और दोस्तों, हमको बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिल जाता। फ़िलहाल हम इस हेडफोन की तरफ देखते हैं कैसा है ये हेडफोन। और दोस्तों, ये पहले ही लुक में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, इसके अंदर हमको माइक भी देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, इसकी दोनों तरफ हमको RG की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों, हमको इस हेडफोन पर बहुत सी जगहों पर रेड गियर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों, इसका जो स्ट्रैप है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों, इसके ऊपर भी हमको रेड गियर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों, हमको इस हेडफोन के साथ दो तीन चीज़ें और मिली है, तो देख लेते हैं कि वो क्या है। और दोस्तों, हमको इसके साथ एक ये रेड गियर का स्टिकर मिला है। आप इसको CPU वगैरह कहीं पर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, हमको इसके साथ एक ये छोटी सी CD भी मिल जाती है इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों, इसको भी फ़िलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं कि और हमको इसके साथ क्या मिल जाता है। और दोस्तों, हमको इसके साथ एक ये क्विक गाइड भी देखने के लिए मिल जाती है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करना है। और दोस्तों, इसी के अंदर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दोनों तरफ RG की ब्रांडिंग है। और दोस्तों, हमको इसके साथ एक ये बढ़िया सा फ्लेक्सिबल माइक भी देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, हमको इसके साथ एक ये कंट्रोलर भी देखने के लिए मिल जाता है। फ़िलहाल तो इसके ऊपर कोई भी आइकन नहीं है। आप ये वीडियो देखते रहे, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर आइकन वगैरह कैसे दिखेंगे। और दोस्तों, इस हेडफोन की जो वायर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी लंबी है। और आप इस हेडफोन को अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं इस USB केबल के ज़रिए। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस हेडफोन को PC से कनेक्ट करते हैं, इसके कंट्रोलर के अंदर एक लाइट ऑन हो जाती है। और दोस्तों, इसके जो आइकन है वो शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, हमको इसके अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन, माइक को म्यूट करने के लिए और RGB को ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस हेडफोन को PC से कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर की जो RGB है वो भी ऑन हो जाती है। और हम इसके RGB को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, हमें कंट्रोलर पे एक बटन दिया हुआ है। और दोस्तों, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और ये हेडफोन काफ़ी कंफर्टेबल भी है। आप इसको घंटों तक पहन के रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये गेमिंग हेडफोन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ।